दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे विद्वान मित्र सौरभ हैं। सौरभ फिलहाल अमरकंटक विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में, ये यूनिवर्सिटी है, वहां पे कार्यरत हैं। और सौरभ की विशेषज्ञता यह है कि इन्होंने लैंग्वेज टेक्नोलॉजी से पीएचडी किया है और काफी अच्छी खासी जॉब में है। लेकिन जिस सब्जेक्ट का मैंने नाम लिया लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, शायद ही बहुत लोगों ने इसे सुन रखा होगा। लैंग्वेज सुनते हैं लोग, लिटरेचर सुनते हैं, लिंग्विस्टिक तक सुनते हैं, लेकिन लैंग्वेज के साथ टेक्नोलॉजी जब जुड़ जाता है तो करियर के कैसे कैसे नए स्कोप आते हैं। साथ ही इस विषय के करने की पात्रता क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है लैंग्वेज टेक्नोलॉजी करने के लिए, कहाँ कहाँ पढ़ाई होती है और इसमें सैलरी की कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे कैसी जॉब अपॉर्चुनिटी, आज इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सौरभ, आपका स्वागत है डॉक्टर अजय स्पीक्स में। नमस्ते अजय जी, नमस्ते मित्रों। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। अच्छा सौरभ, अपने बारे में आप थोड़ा सा बताएं, इससे पहले कि हम विषय पर आएं, आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बढ़ाएं, और हायर एजुकेशन आपकी कहाँ तक हुई और वर्तमान में आप वहाँ किस पोस्ट पर हैं और क्या काम करते हैं, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारे देखने वालों के सामने एक सीन क्लियर हो आपके बारे में। जी जी बिल्कुल अजय जी, मैंने ग्रेजुएशन किया था बक्सर से फिजिक्स ऑनर्स में। उसके बाद जैसे कि बिहार में होता है, या तो आप एमबीए के पीछे दौड़ते हैं एमबीए करने के लिए, या इंजीनियरिंग के लिए, या फिर आईएएस बनने के लिए, ये तीनों सवाल मेरे सामने खड़ा था। और ये एक तरह से भीड़ था वहां पे, भीड़ उसके पीछे भाग रही थी और मुझे उसके पीछे नहीं भागना था, मुझे कुछ नया एडवेंचरस करना था। और इसी दौरान मुझे पता चला कि वर्धा में लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये मेरे लिए बिल्कुल नया विषय था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इवन अगर बात किया जाए बिहार में, तो भाषा विज्ञान एक पेपर के रूप में किसी भाषा को पढ़ाने में पढ़ाया जाता है, एक विषय के रूप में कहीं नहीं पढ़ाया जाता था उस समय। अभी तो संभवतः बोध गया यूनिवर्सिटी में शायद खुल गया है डिपार्टमेंट। तो मैं पहुंचा फिर वर्धा और मैंने वहां से एमए इन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में मैंने पढ़ाई की। 2007 में एडमिशन लिया, 2 साल वहां पढ़ाई की, फिर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एमफिल से ही किया और फिर मैंने पीएचडी भी वहीं से की। ये विषय अपने आप में बड़ा ही रोचक रहा है। हमारे प्रोफेसर महेंद्र कुमार सिंह पांडे थे, वो बोलते थे बड़ा ही नीरस विषय है ये, लेकिन आप इसको पढ़ने लगेंगे तो इसमें बहुत रस मिलेगा आपको। और निश्चित रूप से इसमें काफी रस मिला। और आज फिलहाल मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में मैंने कार्य भी किया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में काम किया, सिडैक के साथ काम किया था जो पुणे में है, और आज मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी अजय जी, तो अच्छा खासा आपका अनुभव है सौरभ। आप सीआईएल मैसूर, जो कि मैसूर में संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, काफी प्रतिष्ठित संस्था। आप गूगल के साथ भी कुछ दिन शायद कुछ ट्रेनिंग वगैरह आपकी हुई है, अगर मैं रिकॉल कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सैप के साथ भी काम किया है, SAP जिसको कहते हैं, सैप तो नहीं कहते हैं वो लोग, और फिर गूगल के साथ भी काफी कुछ मैंने काम किया था, फ्रीलांसिंग के रूप में वहां पे काम किया था मैंने। तो देखिए, ये होते हैं दोस्त सौरभ की, जो दोस्त की मतलब इतिहास से भी वाकिफ होते हैं, कई बार आप भूल जाते हैं तो दोस्त रिकॉल भी कराते हैं। तो आपका निश्चित अच्छा खासा करियर है और आप अच्छी जगह हैं, बहुत ही खूबसूरत, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अभी हैं। लेकिन जी, क्या आपको पता था कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में इतना करियर होगा, या आप कैसे हैं, इस विषय का चुनाव करने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका था? मैं वहां पहुंचा था कुछ नया समझकर कि कुछ आईटी से रिलेटेड काम मिलेगा, लेकिन जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स दोनों कह सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस, दोनों का एक मिला जुला विषय है, दोनों की अपनी इसमें महत्ता रहती है। और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो साइंस का भी रहा है और आर्ट्स का भी रहा है, तो भाषा को समझना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उस भाषा को मशीन को सिखाना कि कैसे एक मशीन हमारी भाषा यानी ह्यूमन की भाषा को समझ सकेगा, इसकी एनालिसिस करना और फिर उसको उसके रूप में ढालकर एक इंटरफेस बनाना रहा है लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में। तो
एमए में मैंने एम्बिगुटी पर काम किया था जो कि द्व्यर्थकता पे है। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, अगर आप लोगों ने रोबोट फिल्म देखी होगी तो रोबोट जो है उस फिल्म में काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्या करना क्या है, अगर थोड़ा बहुत आपको रिकॉल हो रहा होगा तो ये भाषा की समृद्धि भी अपने आप में एक खासियत है कि इंसान तो इंसान को समझ लेता है कि वो किस लहजे में बात कर रहा है, लेकिन मशीन को समझाना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और भाषा को भाषाविद ही समझ सकते हैं और उसकी उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं कंप्यूटर को समझ सकते हैं, और इन दोनों का मिला जुला स्वरूप जो है भाषा प्रौद्योगिकी अर्थात लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है जी। और उसके बाद मैंने एमफिल किया, फिर स्पीच टेक्नोलॉजी में मैंने काम किया था, वो एकदम बिल्कुल नॉवेल सब्जेक्ट था। अभी आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कुछ बोलते हैं और वो टाइप कर देता है, तो ये टेक्नोलॉजी उस समय बड़ा नॉवल थी और उस पर काम चल रहा था और आज आपके सामने प्रस्तुत है वो सारी चीजें। तो सौरभ काफी इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे हैं, और जो लोग प्रयोग करते हैं उन्हें पता भी नहीं होगा कितने बारीक लेवल पर और इतने अंदर जाके काम होता है। और आप जैसे लोग कई सारे लोग लगे हुए होते हैं तब आप ये जैसे वॉइस टाइपिंग है, चाहे हम लोग फोनेटिक्स कर लेते हैं या रेमिंगटन वगैरह तमाम चीजों से इंग्लिश टू हिंदी कर लेते हैं, ट्रांसलिटरेशन कर लेते हैं। अब सौरभ आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि एक तरह से ये हम कहें कि भाषा जो ट्रेडिशनल चीज है ना, उसमें कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी हो सकता है, उड़िया हो सकता है, बंगला हो सकता है, क्षेत्रीय भाषा हो सकता है, उसका एक तकनीक के साथ शादी कराना। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि लैंग्वेज यानी कि भारतीय लोकल जो गांवों देहातों में या शहरों में बोला जाता है, और उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ देना। सिंपल अगर यही सोचे कि जिससे आप उस लैंग्वेज से लिख सकते हैं, इंटरनेट पे लिख सकते हैं या उस पर ऐप बना सकते हैं, या तमाम आप देखिए अमेजोन जैसी कई सारी साइटें अब हिंदी में भी आप इंटरफेस है, तो इस तरह का काम हमको लगता है कि ये सब काम से जुड़ा है, साथ में ट्रांसलेशन वगैरह भी इजीली हो जाए। क्या मैं ठीक समझ जी? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि बेसिकली लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में मशीन और ह्यूमन इंटरफेस तैयार करना होता है। कैसे मशीन समझेगा ह्यूमन की भाषा को, उसको प्रोसेस करेगा और उसके उसको रिस्पॉन्ड करेगा, आपको उस हिसाब से देगा। जैसे गूगल ने काफी काम किया है इसके ऊपर, स्पीच के ऊपर किया है, जो अभी आप मशीन ट्रांसलेशन, आज से 5 साल पहले जो मशीन ट्रांसलेशन था आज वो नहीं रहा गूगल का, वो बहुत मोस्ट पॉपुलर मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम उसने बनाया, गूगल ने बनाया है, जो कि अपने आप में एक नॉवेल है। अभी सीरी जो आपको एप्पल में मिलता है, या फिर जो अमेजोन वाले जो इस्तेमाल करते हैं, आपकी भाषा को समझता है, उस पर वेब पर सर्च करता है और फिर उसके अगेंस्ट आपको जो भी गाना सुनना है तो सेम वही गाना जो है आपको सुना देता है। सबसे पहले होता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कैसे वो समझे, फिर वो प्रोसेस करके फिर आउटपुट लैंग्वेज के रूप में ही आपको देता है। मशीन तो ना उसका वोकल कॉर्ड है, ना ही ह्यूमन ऑर्गन्स हैं जो कि किसी स्पीच को जनरेट कर सके, ना ही वो कई तरह की द्व्यर्थकता या बहुअर्थकता को समझ सकता है। ये कई सारी चीजें होती हैं कि उसको ट्रेन करना पड़ता है सिस्टम को, वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है और एक पूरे रीजन को लेकर वो एक यूनिवर्सल सिस्टम भी बनता है। तो एक अच्छा सिस्टम यही होता है जो अपने आप को सेल्फ लर्न करता है, मशीन, और वो मशीन लर्निंग करता है, जो कि आईआईटीज, जितनी आईआईटीज हैं उसके पीछे काम कर रही हैं, जहां भाषाविद और लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। मैं आपको इसके इतिहास की ओर थोड़ा ले जाना चाहूंगा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये लगभग द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, जब कई सारी सेनाएं जो हैं एक दूसरे पर आक्रमण कर रही थीं, तो उन्होंने एक अच्छा वेपन इस्तेमाल किया, वो है भाषा, कि उसका किसी सैनिक का मोरल डाउन करना है तो उसको उस भाषा में कुछ लिखकर, ऐसा लिखकर कि भाग जाओ चले जाओ। वो जर्मन सैनिक या फिर ब्रिटिश सैनिक गिराया करते थे अपने दुश्मनों के इलाके में, तो ये एक बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाया करता था। तो उस समय कि कुछ विद्वानों ने, ऐसा संभव है कि मशीन तुरंत ट्रांसलेट करके और उनको दे दे, एक जर्मन सैनिक ब्रिटिश सैनिक की भाषा समझ सके तुरंत, वहां इंटरप्रेटर की जरूरत न पड़े, तो ये वहां से स्टार्ट। और आज हम इस स्थिति में हैं कि एक छोटी सी डिवाइस लेते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसमें या फिर इंस्टॉल कर लेते हैं, आप चाइना में चले जाइए, हिंदी में आप चाइनीज से बात कर सकते हैं, वो आपका मशीन या जो है चाइनीज में उनको ट्रांसलेट करके बता देता है, और
आपका चुटकियों में काम हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस था। ये सब कुछ आपको पाया है तो लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट की मदद से, आपकी प्रोफेशन की मदद से और भाषाविदों की मदद से। जी अजय जी, बहुत अच्छे से आपने बताया और इसको सुनने के बाद ही लग रहा है ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला बनता है थोड़ा बहुत, और जिसमें कि आप बहुत चीजों को संभव बना देते हैं। अब जो देखने वाले हैं उनके मन में सीधा सीधा प्रश्न ये आ रहा होगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई होती है या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए के स्तर की पढ़ाई होती है, कहाँ किस लेवल की पढ़ाई, कहाँ कब से शुरू होती है ये पढ़ाई? देखिए अजय जी, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे कि वो किस तरह से उसको किसी प्रोफेशनल को वो एडमिशन देता है या फिर उसकी पढ़ाई करता है। और सेम वही स्थिति है कि वो क्या उसका मोटिव है, क्या पढ़ाना चाहता है, और उसी के हिसाब से सिलेबस तैयार होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि उनका जो ज्ञान है ये समुद्र के किनारे जो असंख्य बालुका राशि पड़ी हुई है उसके एक कण के बराबर भी उनका ज्ञान नहीं है। इतने बड़े वैज्ञानिक ने ये दावा किया था विश्व के बारे में। तो यही स्थिति होती है भाषा की, इतनी इतनी सारी चीजें इसमें फैली पड़ी हैं कि सब कुछ सिखा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके साथ चैलेंज लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट के साथ ये होता है उनको पढ़ाने के लिए कि अगर आप आर्ट्स फील्ड यानी कि किसी लैंग्वेज फील्ड के लोगों को लेते हैं तो उनको कंप्यूटर साइंस बताना, उनको लॉजिक उसका बताना, एल्गोरिदम बताना और सारा उसके लैंग्वेज को सिखाना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होता है। अब आते हैं हम कंप्यूटर साइंस में, अगर कंप्यूटर साइंटिस्ट को लेकर लैंग्वेज पढ़ाया जाए तो फिर वो भी एक बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो कुछ इस तरह का सिलेबस डिजाइन किया जाता है कि आप अगर कंप्यूटर साइंस से अगर होते हैं तो वो भी एलिजिबल होते हैं और उनको उस हिसाब से मैक्सिमम लैंग्वेज का या लिंग्विस्टिक्स का पार्ट पढ़ाया जाता है। और अगर आप लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स के तरफ से हैं, मतलब उस वो बैकग्राउंड अगर आपका है, तो कंप्यूटर साइंस का काफी पार्ट उसमें पढ़ाया जाता है। तो वर्धा में चूंकि हम लोगों ने पढ़ाई की तो वहां तो हर बैकग्राउंड के लोग आए, तो एक यूनिवर्सल तरीका अपनाया गया, लगभग 50-50% रखा गया था। और उसमें आप लैंग्वेज हो, लिटरेचर पढ़ के आए हों, कंप्यूटर साइंस से आए हों, बीसीए करके आए हों, तो मास्टर्स लेवल से ये स्टार्ट हो जाता है। कई यूनिवर्सिटीज ने ग्रेजुएशन लेवल से भी पढ़ाई स्टार्ट की है इसकी, और कईयों ने डिप्लोमा भी स्टार्ट किया है इसके ऊपर। अभी मैं देख रहा था कार्जिन मेलॉन यूनिवर्सिटी है, वहां पे इस पे पीजी डिप्लोमा भी उन्होंने स्टार्ट करा हुआ है, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट अगर है तो एक छोटा सा कोर्स करके आपके लैंग्वेज एलिमेंट को पढ़ के वो इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन करना चाहे तो भी वो कर सकता है इसमें, और अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर एमए करना चाहे लैंग्वेज टेक्नोलॉजी से तो वो भी कर सकता है। अच्छा, जी, हर क्या इसके लिए कोई विषय निर्धारित है कि मतलब ग्रेजुएशन इस विषय से करेगा वही लैंग्वेज टेक्नोलॉजी कर सकता है, यानी आर्ट्स के करे या हिंदी से करे या इंग्लिश से करे, लिटरेचर से करे, या बीसीए हो या बीजेएमसी का बच्चा हो वो अगर करना चाहे लैंग्वेज टेक्नोलॉजी से तो क्या वो कर सकता है, ये बताएं आप। जी जी बिल्कुल अजय जी, मैं वही आपको मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था, ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखती है। कोई भी ग्रेजुएशन हो, सिर्फ ग्रेजुएट आ जाए हमारे पास हम उसको ट्रेन कर देंगे मास्टर्स में एडमिशन लेकर, या फिर साइंस प्रोफेशनल हो उसको हम ले, मैं खुद साइंस से था तो मैं इसमें आ गया था। कई हमारे साथी जो है लिटरेचर बैकग्राउंड के थे, कई मीडिया बैकग्राउंड के थे, वो भी आके इसमें अपना अच्छा खासा भविष्य उन्होंने बनाया है। इवन वो मास्टर्स किसी अदर स्ट्रीम से करके इसमें चाहे तो वो रिसर्च भी कर सकते हैं, पीएचडी, पोस्ट डॉक, ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, इसमें आप कभी भी आपका स्वागत है, बड़ा लिबरल कोर्स है ये। हाँ, लेकिन आने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है कि ग्रेजुएशन से भी आप एंट्री कर सकते हैं या एमए के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं, और किसी भी विषय से, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग क्राइटेरिया है ना। लेकिन वर्धा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वर्धा जहां से आप खुद किए हैं, वहां पर आप है कि किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन हो आप ले सकते हैं एमए में, और एमए के बाद पीएचडी में भी किसी विषय से तो आप पीएचडी में एंट्री कर सकते हैं इसमें, है ना, निश्चित। अब ये बताइए कि ये तो एलिजिबिलिटी की बात हम लोग कर लिए, थोड़ा विश्वविद्यालय की भी बात कर लिए, और कौन से पॉपुलर जगह आप रिकॉल कर पा रहे हैं, एक दो जगह जहां पर इसकी पढ़ाई होती है, जहां अगर कोई सर्च करना चाहे आपको जो ध्यान में आता हो? वर्धा विश्वविद्यालय एक हुआ, एक और आपने नाम बताया, और एक दो जगह अगर आपको ध्यान में हो तो बता सकते हैं।
देखिए अजय जी, ये ट्रिपल ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है, ये खासकर इसका एक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, जो कि सिर्फ इसी पर रिसर्च करा के एमफिल आपको या फिर रिसर्च करवाता है पीएचडी वगैरह, या फिर आगे भी अगर आपको रिसर्च करना है तो। और वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम भी चल रहे हैं और अच्छे खासे वहाँ के बच्चे जो है उनका जॉब प्रोफाइल भी अच्छा हो पा रहा है। हालांकि ये अलग दिगर बात है कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे वहाँ ज़्यादा एडमिशन ले पा रहे हैं। अपने शूट के भी कुछ अपने क्रिटेरिया होते हैं, शायद उसमें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये मैक्सिमम जो है, आप लिंग्विस्टिक्स जहाँ भी पढ़ाया जाता है तो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सब के नाम से एक या दो पेपर रहते ही रहते हैं। और ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का अप्लाइड पार्ट है, तो आप कहीं से भी लिंग्विस्टिक्स पढ़ लीजिए, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा ये सारी चीजें। आपको मैं आईटी कानपुर में बता रहा हूँ, वहां भी होता है, आईटी दिल्ली में भी होती है इसकी पढ़ाई, जितने आईआईटीज हैं सभी जगह इसकी पढ़ाई होती है। जी, तो बहुत अच्छे से आपने सौरभ बताया, एलिजिबिलिटी भी हो गया, इंस्टीट्यूट भी हो गया। अब ये बताइए कि कोई अगर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में कैरियर बना रहा है तो उसके स्कोप क्या होते हैं, मतलब किस किस क्षेत्र में वो जा सकता है? एक तो मशीन लर्निंग आपने बताया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा और क्या जॉब के ऑप्शन खुलते हैं इस कोर्स के करने के बाद? जो एमए कंप्लीट कर लिया हो या पीएचडी कर लेगा, उसके लिए सामने कौन से जॉब के विकल्प आएंगे? देखिए अजय जी, ये ऐसा एक कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, कि इसमें हमेशा आईटी में जॉब आते ही रहते हैं, हर जगह से आते रहते हैं। चाहे हम सुपर कंप्यूटिंग की बात करें, जो वहां अगर एआई आता है तो उस एआई के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात आएगी, तो आपको लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट वहां रिक्वायर्ड है ही है। आईटी हो गया, आईटी के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, कंप्यूटर्स बनाने वाली संस्थान हैं, जो आपको सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जो ह्यूमन इंटरफेस पे काम कर रही हैं, और सबसे ज्यादा प्रोफेशनल हैं इसमें वो फ्रीलांसर्स हैं। ये फ्रीलांसिंग क्या होती है कि कोई भी कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स देती है और उसको पूरा कर लेते हैं अलग अलग तरह से, जैसे कॉग्निशन लेवल के काम होते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था नीवो से, NEVO, नीवो भी काम करता है इस पे। कई सारी कंपनियां हैं जो कि खासकर आपके इमोशन ट्रैकिंग पर काम करती है। अगर याद होगा आपको, पिछले दिल्ली का जब चुनाव था तो आईआईटी दिल्ली के बच्चों ने अरविंद अरविंद केजरीवाल जी, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो भाषण दिया था उसकी कितनी पॉजिटिविटी है और कितनी निगेटिविटी है, 5 मिनट के अंदर निकाल के दे दिया था, जो कि इंसान के जीवन को, उस फेथ को बढ़ाता है कि आपके भाषण में कितना आप पॉजिटिव चीजें बता पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको, अगर मेरा मानना है, मैं अगर मुझे चुनना हो तो मैं तो आपको कहूंगा कि सबसे बढ़िया है कि आप फ्रीलांसिंग करें, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोप है, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ती जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इसका मतलब इसमें इंटरप्रेन्योरशिप का भी पूरा कंसेप्ट है, पूरा चांस का स्कोप है, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इस दुनिया में ह्यूमन रहेंगे और मशीन रहेंगे तब तक इसका चांस ही चांस है, क्योंकि ह्यूमन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, लैंग्वेज बिहेवियर है, आपके बॉडी का बिहेवियर है, ये सारी बिहेवियर है, तो उसके लिए आपको जैसे जैसे चेंज होगा तो उसके एनालिसिस और इन सब सारी चीजों के लिए लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती ही है, और अच्छा, काफी इसमें कम प्रोफेशनल्स भाषा, हैं अगर अभी। भाषा अच्छी है, कोई अच्छा हिंदी लिखता हो, अंग्रेजी लिखता हो, या भाषा का नॉलेज है, तो उसके लिए ये और अच्छा क्षेत्र है, और जिसका कंप्यूटर वगैरह भी ठीक ठाक हो, क्या? जी बिल्कुल 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 सही, वो तो ज्ञान, आप अगर अच्छा भाषा है और अच्छी जानकारी है तकनीक, तो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको फायदा ही होता है। अब ये बताइए जी सौरभ, बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई संस्थागत तरीके से कहीं प्लेस्ड होता है, किसी कंपनी में जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो एक ऑन एन एवरेज कितने से सैलरी इसकी शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है? कहाँ तक का तो कोई अंत नहीं है, वो तो आपकी कैपेसिटी या टैलेंट पर, लेकिन कहाँ से शुरू होती है ये थोड़ा सा बताएंगे ताकि सुनने वाले को एक आइडिया हो। देखिए मिनिमम जो स्टार्टिंग, मैंने जो स्टार्टिंग किया था 50,000 पर मंथ से स्टार्ट किया था इसको मैंने, और जब मैं पीएचडी कर रहा था तो फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो 35,000 मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू कमा रहा था। ये एसएपी का प्रोजेक्ट था जो कि सिडैक के थ्रू मिला था, सिडैक पुणे के थ्रू। यानी आप पढ़ भी रहे हो और कमा भी रहे हो, और वही वही पढ़ाई पढ़ना भी है, तो ये एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी आपको इतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराएगा
कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेजोन ने कुछ जॉब फेयर लगाया था, ये मैं आपको 1-1.5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ लगभग, तो उसमें लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट इतने रिक्वायर्ड थे कि वो फुल वहां पहुंच ही नहीं पाए, उतने लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाए, अभी भी जॉब वहां वैकेंट पड़ी हुई है। और इसकी विदेशों में भी काफी संभावना है, कई सीनियर को मैं भी जानता हूं जो विदेश में आज हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये आप जो आप फेसबुक पे जो भी चीजें अपलोड करते हैं है ना, जो चैट करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जो चैट करते हैं, अब तो शायद इनक्रिप्ट हो गया है सारी चीजें जो अब बैन हो गई हैं, ट्विटर पे आप जो भी चैट करते हैं ये सारा उनके लिए डेटा है, ह्यूमन बिहेवियर को जानने का एक माध्यम है। इवन जो आप बात करते हैं टेलीफोन पे, हम आप बात कर रहे हैं तो हमारे आपके पास कोई डेटा है ही, ये आईटी कंपनियों के पास भी रहती है और ये फिर बिकती हैं, और बिकने के बाद उसको एनालिसिस करने के लिए लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट या फिर लिंग्विस्ट की जरूरत पड़ती है, और ये अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है और ये चलती रहती है, बातचीत इंसान की फोन के माध्यम से और सारी चीजों के माध्यम से, और उसको एनालिसिस करने के लिए उसके एक्सपर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। तो विदेशों में क्या होता है कि अगर अपना प्रोडक्ट हमको बेचना है हमारे मार्केट में, तो आपके साइकोलॉजी को वो कैसे समझेंगे, या तो आपके बॉडी बिहेवियर से या आपके लैंग्वेज से। अगर लैंग्वेज से समझेंगे तो लैंग्वेज को समझने वाला या तो लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट होगा या लिंग्विस्ट होगा। तो जितनी भी कंपनियां बाहर की आएंगी हमारे यहाँ कुछ बेचने के लिए, तो उनको इनकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे तेल हो या साबुन। जी, जिस तरह से सौरभ आपने बताया है, मतलब जो भी सुनेंगे उनके सामने एक विजन तो क्लियर हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है। अब जी बिल्कुल, कि हम लोग अपने प्रस्तुति के एंड में आ गए, आप इतने साल जॉब में हैं और देख भी रहे हैं, कई नए युवा भी इसमें जुड़ रहे हैं और वो जॉब पा, आप खुद कितना संतुष्ट फील करते हैं इस प्रोफेशन में रहने के बाद कि मैं बहुत अच्छे प्रोफेशन हूँ, अच्छे सब्जेक्ट का चुनाव किया, आज अच्छे जगह पर हूँ, या आप किसी को सुझाव देंगे कि नहीं इसमें थोड़ा ये भी कर लो तो और अच्छा होगा, तो आपका मैसेज क्या रहेगा हमारे यूथ्स के लिए? देखिए अजय जी, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पे सहायक प्राध्यापक के पद पर यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, और अभी जो मेरा कार्य है वो भाषा को डॉक्यूमेंटेशन करने का, लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन का करने का है, और ये जिस हिसाब से भाषाएं मर रही हैं हमारे देश में, संस्कृति कल्चर वगैरह सब कुछ एक तरह से लॉस हो रहा है, और हम लोग नई नई चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। खासकर बुरी स्थिति है जो जिनकी संख्या कम है, जो मार्केट के संपर्क में ज्यादा लोग आ जाते हैं, जैसे ट्राइब हैं, तो उनकी भाषा को हम लोग जो है डॉक्यूमेंटाइज कर रहे हैं, और बड़ा ही आनंद आता है। आप समझ लीजिए कि इतना अच्छा लगता है और इतनी संतुष्टि अपने आप में होती है। देखिए, जॉब तो सभी कर रहे हैं, जॉब मैं भी कर रहा हूँ, उसके बदले में गवर्नमेंट हमको जो भी उसका पेमेंट होता है करती है सैलरी के रूप में, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि भी होनी चाहिए, और ये मुझे लगता है कि बड़ा ही पुनीत कार्य मैं कर रहा हूँ, और ये जरूरी है हमारे समाज के लिए। अगर हम इसको नहीं बचा पाए या नहीं कर पाए, तो कहते हैं कि अगर इंसान की भाषा अगर मर जाती है तो समझ लीजिए वो इंसान ही मर गया है। तो आप मुझे लगता है समझ पा रहे हैं कि मैं कितना संतुष्ट हूँ और कितना खुश हूँ इस कार्य को करके। मैं तो जितने भी युवा पीढ़ी है, मैं चाहूंगा कि वो निश्चित रूप से आए और इस कार्य को करें, इस कार्य को एक मिशन की तरह करें, और ये बहुत जरूरी। इतना ज्यादा अभी नॉलेज टेक्स्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, अरबी का है, क्या कहते हैं, स्पेनिश का है, अलग अलग भाषाओं का है, जो कि हम तक अभी पहुंचना बाकी है, और वो नहीं पहुंच पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक भाषा के बैरियर की वजह से। और इस भाषा के बैरियर को अगर कोई तोड़ सकता है तो एक भाषा वैज्ञानिक तोड़ सकता है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट तोड़ सकता है, इस तरह के एल्गोरिदम या सिस्टम डेवलप करके, ताकि वो सारी चीजें जल्द से जल्द हम युवा पीढ़ी को या फिर जिनको भी नीड हो पहुंच सके। जी सर, अच्छा आप जब जवाब दे रहे थे तो एक अंतिम प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि इसमें कैरियर की जो संभावनाएं हैं, हालांकि ये प्रश्न पहले आना चाहिए लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया, कि सरकारी क्षेत्र में ज्यादा है या प्राइवेट क्षेत्र में, आप खुद सरकारी क्षेत्र में है जैसे। देखिए, तो दोनों दोनों जगह बहुत ज्यादा है, दोनों जगह ज्यादा है। सरकारी क्षेत्र में थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है, संस्थान भी लिमिटेड है, और प्राइवेट क्षेत्र की बात की जाए तो वो उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। नए नए आईटी प्रोफेशनल जो नए यंग जनरेशन आ रही है, जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं,
उनको तक वो सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। अभी मान लीजिए कि हमारा बिहेवियर, लैंग्वेज बिहेवियर चेक करना है। अब जैसे कि जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए भी लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है हमको, कि अगर कोई फोन पर या साइबर क्राइम कर रहा है, अगर उसकी भाषा या पैटर्न को समझना है, किस तरह का पैटर्न है, तो लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर आप बोलने में सक्षम नहीं है, जो मूक बधिर होते हैं, अगर उनको वोकल आवाज देना है, तो लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है ना। तो ये सारे रिसर्च की फील्ड में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इवन जो फाइटर प्लेन उड़ते हैं हमारे यहाँ पे, जो 6th generation 7th generation फाइटर प्लेन की बात कर रहे हैं, वो इतने फास्ट होते हैं कि आप हाथ या पैर से उसको जब तक ऑपरेट करेंगे, तब तक कई मीलों दूर वो जा चुका होगा। तो वो अपने आंखों के से या फिर अपनी बोली से वो सारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है। वो एक्टिवेट अगर करेगा तो सिस्टम और उस पायलट दोनों के बीच एक इंटरफेस बनाना, और वो इंटरफेस कौन बनाएगा? लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट या लिंग्विस्ट, जो भी है। तो इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं प्राइवेट सेक्टर में कि आप मुझे नहीं लगता है कि ये कमी इतनी जल्दी पूरी होने वाली है उस क्षेत्र में। प्राइवेट में, सरकारी संस्थानों में कुछ लिमिटेशन अपनी होती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन प्राइवेट में तो खैर, हमारे एक सीनियर हैं जो कि जापान अभी जस्ट गए हुए हैं, 30 लाख का पैकेज उनको मिला है अभी स्टार्टिंग। तो ये सब जो बाहर की कंपनियां है वो इतनी तेजी से हायर कर रही हैं सारी चीजों को, तो मुझे लगता है कि अगर युवा अच्छे से पढ़ाई करें, लगन से पढ़ाई करें, तो सरकारी नौकरी की शायद जरूरत कभी नहीं पड़ेगी उनको। प्राइवेट सेक्टर में इतना कुछ उनको साधन संसाधन और फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि वो फिर मुड़ के कभी देख नहीं पाएंगे पीछे। जी सौरभ, तो आपको सुनने के बाद मुझे लगता है इस विषय से संबंधित तमाम तरह के जितने शंकाएं हैं या जितने कंफ्यूजन है सबको पता चल जाएगा। अब आप हमारे यूथ्स, हमारे चैनल को यूथ्स देखते हैं, और आप एक अच्छे जगह पर हैं, एक ऐसे जगह पर हैं जो प्रकृति के काफी करीब है, मैं खुद वहां गया हूं। तो आपका जो मैसेज होगा हमारे यूथ को कि किस तरह से उनको लाइफस्टाइल जीना चाहिए, आप वो उनको आगे बढ़ना है, तो क्या उनके लिए ये होना चाहिए, कोई मैसेज हो जो आप देना चाहते हैं हमारे यूथ्स को? जी बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, भविष्य की चिंता छोड़िए। भविष्य बहुत उज्ज्वल होता है, चाहे आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाइए, आप चिंता कीजिए अपने आप को स्किल करने में। आप कितना मच जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, कितना स्किल्ड होते हैं, आपके पास कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा, इतने लोग आपको अप्रोच करेंगे। अपने आप को स्किल करने में ध्यान दीजिए, अपने आप को मांझिए आप, ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी आपको, इतना काम मिलेगा करने के लिए, इतना कुछ ये करने के लिए मिलेगा। आजकल देखता हूँ बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं बहुत जल्दी कि भविष्य में, भविष्य बड़ा अंधकारमय है, ये है वो है, कुछ नहीं है, स्किल्ड हो जाइए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ है आपके पास। जी, तो ये थे हमारे परम मित्रों में से एक मित्र सौरभ जी, और ये फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अमरकंटक सेंट्रल ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और इनसे बातचीत करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक नया सेक्टर हमारे यूथ्स के सामने होगा, जो ट्रेडिशनल होता है, एमबीए होता है या एमजेएमसी होता है या मेडिकल इंजीनियरिंग जैसा, ये शुरू में बताए हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी और कितना मोटिवेट किया? और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तो सौरभ जी, आपका और हमारे देखने वाला दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी।